गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप सबको विद्यालय से संबंधित कुछ निर्देशों को बताने जा रही हूँ। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप इन निर्देशों को ध्यानपूर्वक सुनें एवं उनका पालन करें। बच्चों को समय पर लाना और समय पर लेकर जाना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक 7:30 बजे गेट बंद हो जाएगा, इसलिए बच्चों को समय से 10 मिनट पहले स्कूल पहुँचाएँ, अन्यथा देर होने पर स्कूल गोइंग गेट नहीं खोला जाए और आपको अपना बच्चा वापस लेकर जाना होगा। बच्चों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। लड़कों के बाल लंबे ना हों, लड़कियों के बालों में कपड़े वाला ब्लू हेयर बैंड व टिकटा हेयर पिन लगाएं। प्लास्टिक का हेयर बैंड ना लगाएं, क्योंकि इससे बच्चे अपनी आँख नाक कान में चोट लगा सकते हैं। बच्चे को पूर्ण व्यवस्थित अर्थात धुली हुई व प्रेस की गई साफ यूनिफॉर्म में स्कूल भेजें। बच्चे के नाखून कटे हुए होने चाहिए। कृपया बच्चे की बुक्स एवं कॉपीज में नेम स्लिप अवश्य लगाएं और बुक्स एवं कॉपीज के अंदर भी बच्चे का नाम जरूर लिखें। बच्चों की वाटर बॉटल, बैग व लंच बॉक्स पर मार्कर से नाम लिखें, जिससे वो खोए नहीं। जब तक आपके बच्चे को आईडी कार्ड नहीं मिलता, तब तक आप अपने बच्चे को येलो कार्ड आईडी कार्ड के रूप में पहनाकर अवश्य भेजें। छुट्टी के समय टीचर से बात ना करें। यदि बहुत आवश्यक कार्य है तो प्रतीक्षा करें। सभी बच्चों के जाने के बाद आप टीचर से बात कर सकते हैं। बच्चे को स्कूल में छोड़ने के बाद स्कूल कैंपस में ना रुकें, इससे स्कूल की दिनचर्या अव्यवस्थित हो जाती है। बच्चे को लंच बॉक्स में मैगी व फास्ट फूड ना दें, केवल हेल्दी फूड जैसे सब्जी रोटी ही दें। लंच बॉक्स में वेजिटेरियन फूड ही रखें। बच्चे को प्रत्येक बुधवार को सफ़ेद यूनिफॉर्म पहनाएं और सप्ताह के शेष दिनों में नीली यूनिफॉर्म पहनाएं। विद्यालय के समय के बीच में किसी भी बच्चे का लंच बॉक्स नहीं या वाटर बॉटल आदि नहीं ली जाए। यदि किसी इमरजेंसी में लंच बॉक्स या वाटर बॉटल लेकर आना पड़ता है तो वह बच्चे के माता या पिता ही लेकर आए। किसी अन्य जैसे नौकर, ड्राइवर, चाचा आदि से लंच बॉक्स आदि नहीं लिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, छुट्टी में यदि बच्चे को लेने माता पिता या रिक्शा वाले के अलावा कोई अन्य व्यक्ति आता है तो स्कूल से दिया गया पेरेंट्स आईडी कार्ड साथ में लेकर आएं। बिना पेरेंट्स आईडी कार्ड देके हम बच्चे को नहीं भेजेंगे। बच्चे को विद्यालय के समय के बीच में यदि आप लेकर जा रहे हैं तो गेट पास को सही से भरकर सिस्टम प्रिंसिपल से साइन कराकर गेट कीपर को देकर जाएं। कृपया स्कूल डायरी में दिए गए नियमों को अवश्य पढ़ें। बच्चे को प्रतिदिन स्कूल भेजें। अगर नहीं किसी कारणवश आप बच्चे को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं तो आप स्कूल में छुट्टी की एप्लीकेशन भेजें एवं अगर 3 दिन से ज़्यादा की छुट्टी चाहिए तो लीव एप्लीकेशन सिस्टम प्रिंसिपल से साइन करवाएं। एप्लीकेशन का परफॉर्मा डायरी के लास्ट पेज पर दिया गया है। बच्चे की स्कूल डायरी को प्रतिदिन अवश्य देखें। जब भी विद्यालय में पीटीएम अर्थात पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो तो आपका आना अनिवार्य है। जब जो पेरेंट्स अपने बच्चे को ई रिक्शा अर्थात इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा से स्कूल भेज रहे हैं तो वे कृपया यह ध्यान रखें कि रिक्शा रजिस्टर्ड हो और बच्चों से ज़्यादा भरी हुई ना हो, अर्थात बच्चे को रजिस्टर्ड ई रिक्शा से ही स्कूल भेजें। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप जब भी स्कूल कैंपस में प्रवेश करें तो सभ्य एवं शालीन वेशभूषा ही धारण करें। प्रिय अभिभावक, आप सभी को व्हाट्सएप से यह पता चल गया होगा कि आपके बच्चे का क्लास सेक्शन क्या है। मेरा आप सभी से यह अनुरोध है
कि कार्यक्रम के बाद आप सभी बच्चे को लेकर क्लास में टीचर से अवश्य मिलकर जाएं। उम्मीद है आप सभी ने मेरे द्वारा बताए गए स्कूल नियमों को ध्यानपूर्वक सुना होगा और भविष्य में आप सभी उनका अवश्य पालन करेंगे।